नमस्कार साथियों, डाइट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 विज्ञान का जो छठा आठवां पाठ है कार्बन और उसके यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने 1915 के अंदर, जिनका जन्म जो है, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत के अंदर उन्होंने, उनकी यह धारणा थी कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही संभव है। मतलब उनका निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही हो सकता है। ऐसे पदार्थों का निर्माण प्रयोगशाला के अंदर कृत्रिम विधियों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इस सिद्धांत को उन्होंने नाम दिया जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत के आधार पर उन्होंने बताया कि जीवधारियों से जितने भी पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन जो है कार्बनिक रसायन के अंदर किया जाएगा। लेकिन 1928 के अंदर एक होलर नामक जो है वैज्ञानिक हुए, उन्होंने प्रयोगशाला के अंदर अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया। उन्होंने पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड, अमोनियम सल्फेट जो है उसकी क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराकर उन्होंने अमोनियम साइनेट प्राप्त किया, और अमोनियम साइनेट को जो है ताप के ऊपर गर्म करने पर एक कार्बनिक पदार्थ प्राप्त किया जिसका नाम था यूरिया। और उन्होंने बर्जिलियस की जो ये धारणा थी कि जितने भी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण है वो जीवधारियों से ही बनता है, इसको उन्होंने, उनको उसका खंडन कर दिया। मतलब उनकी बात असत्य हो गई और उन्होंने एक नई चीज बताई कि प्रयोगशाला में भी कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो सकता है। और उन्होंने प्रयोगशाला में यूरिया नामक पदार्थ जो है बनाकर बताया। तो साथियों, इसके अंदर कार्बनिक यौगिक की अगर अपन बात करें तो कार्बनिक यौगिक जो है उसके अंदर जो मुख्य तत्व होता है वो है कार्बन। कार्बन तत्व के जितने भी यौगिक होते हैं वो अन्य जितने भी तत्वों की आज तक खोज की है उनसे बने जितने भी यौगिक होते हैं उनसे कई हजार गुना जो है यौगिकों की संख्या कार्बन के तत्व वाले यौगिकों की होती है। कुछ इसकी ऐसी विशेषताएं होती है जिनके कारण जो है इनके यौगिकों की संख्या अधिक होती है। आज अपन उन कार्बन की जो तत्व है उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन तत्व जो होता है उसकी पहली विशेषता के अंदर कहा गया है कि यह आवर्त सारणी के अंदर जो है इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक जो है वह 6 है, और इसका नाम है कार्बन और इसका प्रतीक है सी। ये इसकी पहली विशेषता है कि इसका स्थान आवर्त सारणी के अंदर जो है छठे स्थान पर है, इसको कार्बन कहा जाता है और इसका प्रतीक जो है वो सी है। ये इसकी पहली विशेषता है। अगर अपन दूसरी विशेषता की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, विन्यास की बात करें तो अपन देखते हैं कि इसका जो क्रमांक है वो 6 है। तो पहले कक्ष में जो है 2 परमाणु होते हैं और दूसरे कक्ष में जो है एस में 2 और पी में 2। तो ये इसका विन्यास है। इसका जो बाहरी कक्ष होता है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसका विन्यास है। तीसरी इसकी विशेषता है इसकी संयोजकता। संयोजकता जो है इसकी 4 होती है। बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपना अष्टक प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है जिससे ये इसका अष्टक पूर्ण हो सके। इसके आधार पर इसकी संयोजकता 4 होती है। इसका मतलब है कि ये जो है
चार इसकी संयोजकता होने के कारण यह चार प्रकार के अणु का निर्माण कर सकता है। जैसे अपन इसको देखें कि ये चार एकल, जैसे अपन हाइड्रोजन की बात करें तो ये चार हाइड्रोजन के परमाणु से एकल बंध के द्वारा जो है यौगिक अणु का निर्माण कर सकता है। अगर अपन दूसरा देखें तो ये जो है इसके अलावा, जैसे ये मेथेन मणि, इसको अगर अपन देखें तो ये सीएल के साथ में भी जो है चार परमाणुओं के साथ संयोग कर सकता है। अगर अपन इसके अलावा ये दो एकल और एक द्विबंध भी बना सकता है, जैसे ये अपन देखें ये सी और ये डबल बंध, तो दो एकल और एक डबल द्विबंध के द्वारा भी ये जो है अपने अष्टक को पूर्ण कर सकता है। और अगर अपन इसको देखें कि एक एकल और एक त्रिबंध के द्वारा भी ये अपनी संयोजकता को पूर्ण कर सकता है। और अगर अपन देखें कि ये दो द्विबंध भी बना सकता है, जैसे ये आप देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बन रही है, ये इसमें दो द्विबंध के द्वारा भी ये अपनी संयोजकता को जो है पूरा कर सकता है। तो ये इस प्रकार चार प्रकार के, एक दो ये तीन और ये चार, चार प्रकार से अणु बना सकता है। ये इसकी विशिष्ट चार संयोजकता होने के कारण ये ऐसा संभव है। इसके बाद में इसकी जो चौथी विशेषता होती है वो है इसकी समचतुष्फलकीय संरचना। अपन आप देखते हैं कि कार्बन का जो परमाणु होता है उसकी जो ज्यामिति होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। जैसे ये देखें समचतुष्फलकीय का मतलब है कि इसके अंदर अगर चार अणुओं से ये संयोग करता है तो इसके बीच में 109 डिग्री 28 इंच का जो है कोण बनता है। तो आप देख रहे हैं कि ये कोण जो है सभी के मध्य होता है। चतुष्फलक, चतुष्फलक का मतलब होता है कि अगर एक फलक इस प्रकार का है तो इसके ऊपर तीन फलक एक साथ ऊपर समान कोण को बनाते हुए बनते हैं, जिसे बोलते हैं समचतुष्फलकीय संरचना। तो ये कार्बन की ज्यामिति जो है समचतुष्फलकीय होती है, जिसके प्रत्येक के मध्य इतना कोण बनता है। तो ये इसकी जो है चौथी विशेषता हुई। इसके बाद में अगर अपन कार्बन की पांचवी विशेषता की बात करें तो कार्बन के परमाणुओं के मध्य श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। मतलब ये श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़कर कई प्रकार के यौगिक बनाती है, और संकलन भी जो है कई प्रकार का होता है। ये होता है असाकित, ये इस प्रकार से भी जो है यौगिक बनाती है जिसके अंदर इस प्रकार की संरचना भी आ जाती है, तो इसे कहते हैं साकित। इसके अलावा ये इस प्रकार का भी जो है संरचना बनाती है, इस प्रकार का भी संरचना बनाती है। आप देखें तो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की संरचना बनाकर ये कई प्रकार के यौगिकों का निर्माण करती है। इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन। तो इस कार्बन जो तत्व है उसके अंदर ये विशेषता श्रृंखलन की भी होती है। इसके बाद में एक विशेषता होती है इसके अंदर कई प्रकार के बंध बना सकती है। ये एकल बंध भी बना सकती है, द्विबंध भी बना सकती है और त्रिबंध भी बना सकती है। जैसे आप देखते हैं इस प्रकार से ये बंध जो बनते हैं वो एकल है, इसे जो है एल्केन कहा जाता है जिसमें एकल बंध होता है। और अगर द्विबंध होता है, जैसे ये कार्बन के बीच में दो बंध होते हैं तो ये एल्कीन होता है, और अगर त्रिबंध होता है तो ये एल्काइन कहलाता है। तो
तो इस प्रकार कार्बन जो परमाणु होता है वो एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध भी बनाता है, तो ये भी इसकी एक गुण है जिसे बंध कहा जाता है। ये कई प्रकार के जो है बंध बना सकता है। और इसकी आखिरी जो विशेषता है वो सातवीं विशेषता है, यह जो कार्बन होता है इसकी जो विद्युत ऋणता होती है वो हाइड्रोजन के समान होती है। अतः ये हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसके साथ क्रिया करके सहसंयोजक बंध बन जो है सहसंयोजक बंध बनाकर जो है यौगिकों का निर्माण करती है। ऐसे यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो ये हाइड्रोकार्बन का यौगिक जो होता है इसके अंदर ये एकल, द्वि और त्रि बंध बनाकर जो है हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन परमाणु जो होता है इसकी संरचना जो है 1s1 होती है। तो हाइड्रोजन अपने आप को संतुष्ट करने के लिए इसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और जबकि जो कार्बन परमाणु होता है उसके बाहरी कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है और उसको पूर्ण करने में 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसको अष्टक पूर्ण करने में 2 और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये हाइड्रोजन के साथ में जो है सहसंयोजक बंध बनाकर जो है अपने आप को संतुष्ट करता है। ये हीलियम के हाइड्रोजन हीलियम के समान बन जाता है और ये अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन बनाता है। तो इस प्रकार ये हाइड्रोजन के साथ इस प्रकार से क्रिया करके ये एकल बंध बनाकर भी जो है CH4 करके जो है ये हाइड्रोकार्बन मेथेन का निर्माण करता है। तो द्विबंध के द्वारा भी ये कर सकता है और त्रिबंध के द्वारा भी यह हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। इस प्रकार के 7 प्रकार की विशेषताओं के कारण ये कार्बन जो है विश्व के जितने भी यौगिक होते हैं अन्य तत्वों से 1000 गुना यौगिकों का निर्माण कार्बन के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार अपन ने इस भाग के अंदर कार्बन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में अपन जो है हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।